हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेका और कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह का 350वां प्रकाशोत्सव का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें दरबार में माथा टेकने का मौका मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि इस एरिया में जो भी बड़ा संस्थान बनेगा उसका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब चुनाव में प्रचार करने के बारे में सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कार्यकर्ताओं की प्रचार के लिए ड्यूटी लगी है और जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है सिर्फ वही जाएंगे। वहीं SYL के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने ज्यादा ना बोलते हुए कहा कि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में है और आने वाले चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश में BJP की स्थिति अच्छी है। प्रसन्नता का अवसर है दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का। आज 350वां ये जयंती वर्ष है जन्मदिन साहब का और सारे देश भर में बड़ी धूमधाम से इस गुरुपर्व को मनाया जा रहा है। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे नाडा साहब गुरुद्वारा आकर के और दरबार साहब की हाजिरी में जनता के दर्शन करने का अवसर मिला। यहाँ के कुछ डिमांड्स जो मुझे बताई गई हैं उसमें मुख्य रूप से HSIDC के द्वारा दिया गया एक प्लॉट है, वो पहले सरोवर का प्लॉट था उसको पार्किंग के अंदर बदल दिया गया है, ऐसा एक बात तय की गई है। और एक और सामने 2.36 एकड़ जमीन है वो भी आवश्यकता के हिसाब से HSIDC के द्वारा गुरुद्वारे के उपयोग के लिए या सराय के उपयोग के लिए नट गुरुद्वारा सराय के उपयोग के लिए पार्किंग के उपयोग के लिए उसको भी अलॉट किया जाएगा, दे दिया जाएगा। एक बात कि ये उत्तर हरियाणा जिसमें यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला इन तीनों जिलों में कोई भी एक बड़ा संस्थान उसका नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से रखा जाएगा ताकि उनकी याद को और हम लोगों के बीच में लंबे समय तक रख सकें, उनके नाम से कोई ना कोई संस्थान ये बनाया जाएगा। हमेशा एक ही बात मन में विचार रहता है कि हरियाणा की जनता की सेवा हम ठीक प्रकार से कर सकें और हरियाणा की जनता की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी उनकी मुश्किल हैं या सरल उनके जीवन को सरल बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम लागू कर सकें अपनी तन्मयता से हम करते रहें। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को विशेष तौर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ गुरुपर्व के इस अवसर के ऊपर, उनको शुभकामना भी। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।